अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ जो कि PSL 2020 के हवाले से है और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से कि 2020 के PSL में वो कौन सी टीम को जो है ज्वाइन किया उन्होंने और कौन सी टीम की तरफ से वो खेलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिल सकें। दोस्तों PSL का सीज़न 2020 काफ़ी करीब है और टीम्स के जो ज़राए हैं वो जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनके साथ राबता जो है उन्होंने तेज़ कर दिया और काफ़ी टीम्स जो है वो बड़े बड़े नाम जो है उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिए। इसी तरह दोस्तों कराची किंग्स ने भी अप्रोच की है ग्लेन मैक्सवेल को और वो जो है उनको राज़ी करने की कोशिशें जो हैं वो जारी किए हुए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो कराची किंग्स की टीम को बहुत जल्द ज्वाइन भी कर लेंगे। कराची किंग के ज़राए का कहना है कि जैसे ही मैं ग्लेन मैक्सवेल से PSL के हवाले से बात हुई वो खेलने पर तो राज़ी हो गए, लेकिन पाकिस्तान आने के लिए दोस्तों वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, जो कि उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द जो है उन्हें इस बात पर भी राज़ी कर दिया जाएगा। दोस्तों इससे पहले खबर देखने को मिली थी कि लाहौर कलंदर ने भी ग्लेन मैक्सवेल को जो है वो अपनी टीम में शामिल करने की पेशकश की थी, लेकिन अब देखो कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है उसको पाकिस्तान में खेलने के लिए राज़ी करने की जो है वो कोशिश बरकरार रखती है और कौन सी टीम की तरफ से वो खेलेंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।